राजधानी से मात्र 35 किलोमीटर दूर बसे गांव लडवाकोट में उत्तराखंड बनने के बाद से अभी तक विकास की किरण नहीं पहुंची है, जिससे गांव में लगातार लोग पलायन करने को मजबूर हैं। डोईवाला विधानसभा के इस गांव को सीएम से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये गांव सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा में है। लोगों की चेतावनी है कि अगर 2018 तक यहां पर विकास नहीं हुआ तो वो सामूहिक रूप से पलायन कर देंगे। सीएम के इलाके से पलायन, सड़क नहीं होने से विकास ठप, 200 साल से नहीं बदली सूरत, क्या त्रिवेंद्र बदल पाएंगे सूरत? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गांव की कहानी जो सुविधाओं के लिए तरसता रहा और अब सामूहिक पलायन के रूप में उनका विरोध सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके गांव में 2018 तक विकास की बयार नहीं बही तो वे लोग सामूहिक पलायन करेंगे, क्योंकि उनके गांव में ना तो सड़क है, ना चिकित्सा सुविधा, ना ही बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है। यह है लड़वाकोट गांव, जो डोईवाला विधानसभा में आता है। यहां की कुल आबादी महज 350 लोगों की है। पहले ये गांव भरपूरा था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो विकास होना था नहीं हुआ। लोग मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने गौर नहीं किया। अच्छे स्कूल, अस्पताल और कई जरूरी सेवाओं की कमी के चलते लोग गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे। यहाँ तो समस्या तो आपको दिख रही है, समस्या है यहाँ पर तो लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ तो ना तो आने जाने की समस्या है, मतलब 50 सालों से मतलब सर्वे हो रहा है यहाँ पे रोडों का, और ना तो यहाँ पर कोई शिक्षा का व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, और कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। समस्या सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, क्या आना नहीं है, जाना नहीं है, और क्या है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं बाबा, स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी बहुत दूर जाना है बच्चा। लड़वाकोट में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। वहीं बरसात के दिनों में पढ़ाई छोड़कर घर पर ही बैठना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के रास्ते में एक बरसाती नदी है जिसे पार करना जोखिम भरा होता है। हमारे घर से है 4-5 किलोमीटर। कितनी देर लगती है? बहुत देर लग जाती है आने जाने में। अच्छा, अब बरसात में? बरसात में तो 1-2 महीने तो घर ही रुक जाते हैं। खड़गांव कितनी देर का रास्ता है? 2 घंटे। डेली 2 घंटे जाते हैं जी। अच्छा, और बरसात में? बरसात में नहीं जाते। क्यों? यहाँ नदी है बीच में। हाँ। तो बरसात में नहीं जाते, रास्ता टूट जाता है। यहाँ खेती से अच्छी पैदावार हो जाती है, लेकिन सड़क के अभाव में उसे बाजार ले जाकर बेच नहीं पाते, और अगर किसी तरह ले भी जाते हैं तो वो घाटे का सौदा साबित होता है। ऐसे में लोगों की मांग है कि सरकार सुध ले, नहीं तो वो सामूहिक पलायन को मजबूर हो जाएंगे। समस्याएं तो जी विशेष तो चिकित्सा की समस्या ज्यादा है, दूसरा स्कूल की समस्या दूर है, बीच में सहु नदी है, पुल की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं है, सड़क का तो परमात्मा ही मालिक है, पता नहीं कितने सालों से दौड़ भाग में लगे हुए, आशा पे भी है लगे हुए। अब आशा तो थोड़ा बन रही, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और शायद कुछ विकास होगा। सर उम्र ही बीत गई, 80 में पहुंच गए। तो अब मतलब जो नई पीढ़ी आ रही है पलायन कर रही है? पलायन कर रही सर। क्यों कर रही? यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है, सड़कें नहीं है, रास्ते नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। समस्याएं तो बहुत है, विधानसभा में इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री हैं, डोईवाला विधानसभा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी बनने के बाद तो अभी दर्शन नहीं हो पाए उनके यहाँ पे। समस्या हमारी स्कूल हो गया, जैसे बच्चे हैं, बरसात में 2 महीने बच्चों को घर रोकना पड़ता है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर टीरी में सहु नदी है, उसमें जब वो पानी भर जाता है तो बच्चे जा नहीं पाते, और पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान है। 8वीं तक यहाँ स्कूल है, हाई स्कूल की जरूरत है। सर गांव में जो है यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा है, 8वीं के बाद यहाँ पे स्कूल नहीं है, और प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं है, चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। गांव की महिलाओं को सीएम त्रिवेंद्र सिंह से बड़ी उम्मीदें हैं। 200 साल पहले बसे इस गांव की हालत आज भी जस की तस है। वहीं यहां के ग्रामीण बताते हैं कि गांव में सड़क न होने से अब कोई भी रिश्तेदार आने से कतराते हैं। नहीं, बड़ी दिक्कत होती है यहाँ, सुविधाएं कुछ भी नहीं है, मतलब बड़ी समस्या है, कन्वेंस की तो बहुत ही दिक्कत है। समस्या खराब है बाबा, बीमारी होंगे तो कहीं सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, रात ध्यान पड़ देन और तब कहीं कोई खत्म होगी तो क्या करने, तब हॉस्पिटल भी नहीं है ना, स्कूल भी नदी पड़ जाने,
भैया च बाबा यहाँ पर तो दिक्कतें बहुत हैं। यहाँ पर तो ये देख लो कि आने जाने के साधन नहीं है और स्कूल भी नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है। वही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि ग्रामीणों को गांव से पलायन नहीं करने दिया जाएगा और जो सबसे बड़ी समस्या सड़क की है उसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है पलायन करने की तो आवश्यकता नहीं होगी, और जहां तक सड़क की बात है मुझे इसलिए भी ध्यान है कि पहले वो मेरी जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था यानी कि 2007 में, तो वो क्षेत्र मेरी विधानसभा में था। उस दौरान उस क्षेत्र में अनेकों काम मेरे द्वारा वहाँ पूरे पर्वतीय जो श्रृंखला है यानी बेल्ट है उसमें करने का काम किया गया था। हाँ, वहाँ उनकी कुछ सड़क की मूलभूत एक समस्या है, मुझे जहाँ तक जानकारी है वो भी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत कर दी गई है, बहुत जल्दी उसका निर्माण होगा। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सभी सरकारें पलायन को लेकर चिंतित दिखी, लेकिन उसे रोकने के लिए ठोस काम नहीं किया गया। हरीश रावत सरकार तो रिवर्स पलायन का दम भरती रही, लेकिन सबसे ज्यादा पलायन उन्हीं की सरकार में हुआ। अब लोगों की निगाहें त्रिवेंद्र सरकार पर टिकी है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पहाड़ों से लगातार पलायन हुआ है। आज हम जहाँ पर हैं ये है लड़वाकोट ग्राम सभा। लड़वाकोट ग्राम सभा डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक है, और ये गाँव अब पलायन करने को मजबूर है क्योंकि ये गांव पिछले काफी समय से सुविधाओं की मांग कर रहा है, लेकिन यहां आश्वासन के अलावा कोई सुविधा नहीं पहुंची। अब ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास एकमात्र विकल्प है सामूहिक विस्थापन, जिसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश के मुखिया का जो विधानसभा है उस गाँव की ये स्थिति है, तो पहाड़ों की क्या स्थिति होगी? प्रमोद नौटियाल, समाचार प्लस, ऋषिकेश।